कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिनों बाद ना जैसे पता है कि बीच बीच में गैप होती रहती है, तो ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना हो गया मैंने व्लॉग कुछ शूट नहीं किया है। तो अभी कुछ सोच रहे हैं कि कुछ करें, तो मम्मी और मैं सोच रहे कि क्या सोच रहे हो मम्मा? पेंट करना है हमको, तभी हम पेंट करेंगे मटके को जो पिगी बैंक रहता है। क्या बॉटल? ये बॉटल है। सो देखिए आरव ने अभी जस्ट बॉटल पेंट किया हुआ है। किसने पेंट किया हुआ है? मैंने। सच में? इधर देखिए बताओ क्या हुआ है ना? किसने किया है मम्मी ये पेंट? आरव ने ही किया हुआ है। क्या बाड़ू स्किप करना। सो अभी मम्मा पेंट करेगी ये पिगी बैंक मटका। मम्मी को मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, जब हम छोटे थे ना मम्मी को बहुत आदत थी ये रखने की, बहुत। और हम उसमें से पैसा ठीक है, और हम ना उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के ऐसे पाँच पाँच दस मैं हम नहीं निकालते थे, मम्मी हमको उसमें से कुछ लगा दो 5 रुपये 10 रुपये निकाल के देती थी। देखने की पिगी बैंक दो दो रहते थे, एक एक रहता था, और चेंज कॉइन ज़्यादा रहते थे उसमें 5 के 10 के और 10 20 के 50 50 100 100 रुपये तक नोट रहते थे, और एक हाथ ही 2 500 की निकल गई तो वाह भाई वाह, है ना? नहीं थी तो 500 की नोट नहीं थी, 100 रुपये ना, 100 रुपये वगैरह ज्यादा निकलते थे, 100 50 10 रुपये के ज्यादा रहते थे ना 50। तो उसमें कॉइन और जो चेंज रहते हैं ना 10 रुपये का 50 रुपये का 100 रुपये का ये सब डाला हुआ है। और एक दिखा दूँ वाला है, मतलब बहुत बड़ा, इसमें कितना सारा पैसा है, कब भरेगा ये पता भी नहीं है। तो इसमें खाली 500 के नोट से, अभी 2000 तो बंद हो गई, 1000 के तो है नहीं, तो इसमें खाली 500 रुपये की और एक दो निकल सकती है अपनी, 100 200 ऐसे कुछ मिक्स है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मोस्टली 500 का इसमें डालती हूँ। और इसमें जो चेंज रहता है वो डाल रही हूँ, वो भी रहती हूँ, थोड़ा सोचते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा सेविंग विविंग हो जाए। सेविंग करना तो कभी सिखा ही नहीं है फैमिली में, किसी ने सिखाया नहीं है, ना मेरे माँ ने किया है ना मैंने किया हुआ है। तो चलो पेंट करते हैं, ब्रश कलर। तो अभी जैसे आपने आप सभी ने आरव ने बताया आप सभी को कि ये पेंट किया हुआ है, तो ये सब निकाला हुआ है। क्या क्या चाहिए मम्मा? ब्रश ब्रश कलर पानी। ये लीजिए आपका टेबल, मम्मी को मैं सेट करके दे देती हूँ। ब्रश तो ऑलरेडी दे दिए, और उसको कलर जिसमें निकालती उसको क्या ही बोलते हैं अभी, ट्रे वगैरह जो भी है। मुझे पेंटिंग का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने कभी किया भी नहीं, बचपन में करती थी जब 4th 5th में थी, 4th 5th में। तो अभी मम्मी मम्मा करेगी पेंट। मम्मी कौन सा करी, छोटा या बड़ा वाला? यहाँ पे मम्मा पेंट कर रही है, यहाँ पे आरू आरू अभी लो ना बॉटल पेंट करो ना, एक बॉटल किया ना पेंट इतना सुंदर, और एक बॉटल दिया था मैंने कहाँ पे, डिजाइन देखने है क्या कोई? अपने आप अपने अपने मन से करना है। फेविकोल चाहिए। सो मम्मी को चाहिए फेविकोल, हिसाब से घर पे फेविकोल होना आ है, पन काया है तेरे माहिती त्याच्या वरती फेविकोल ना लागत मम्मी, ते ऑलरेडी डार्क आहे ना। क्या बात है, मैंने थोड़ा ना स्टार्ट करने के लिए लेट कर दिया। मम्मी देखिए क्या दिमाग लगा रहे, मम्मी तो बड़ी होशियार है। तो मम्मी ने अभी ब्रश क्या किया था मेरे को समझ में नहीं आया, ब्रश के ऊपर ग्लास के ऊपर ब्रश लगा था, उसके ऊपर वो राउंड राउंड तो हो गया, एकदम प्रॉपर राउंड आ गया। अभी ऊपर साइड में ग्रीन कलर का बना रहे, और मम्मी लेफ्ट ही इसलिए लेफ्ट हैंड से ड्राइंग बना रहे। मम्मी बचपन में हमको मारती भी यही हाथ से थी फटाक से, मुझे तो नहीं मारा लेकिन मेरे बहन ने बहुत मारा दीदी ने बहुत मार खाया मम्मी के हाथ का, परेशान भी उतना ही करती थी वैसे, और मैं तो बहुत बचपन से बहुत शांत लड़की हूँ, एकदम एकदम सीधी सादी शांत सी लड़की, ना मस्ती करती ना कुछ कुछ भी नहीं, पढ़ाओ लड़की थी ना मम्मी क्या हूँ कोनी त्रास दिला जास्त मी की दीदी ने
है दोगिनी पंदिला कुछ भी। तो अभी आधा पेंट हो गया, मतलब जस्ट मम्मी ने क्या बोलेंगे उसको, आधा कलर किया है, उसका बेस रेडी किया है, किया हुआ है। अभी उसके आगे देखते हैं क्या बनाते हैं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, मम्मी ने डिज़ाइंस देखी भी नहीं है कि चलो ऐसा कुछ बना रहे, सोचा भी नहीं है। मम्मी क्या बना रहे, कुछ डिज़ाइन विज़ाइन सोचेगा, सोचा होगा ना? नहीं। फिर डायरेक्ट देखिए होता है क्या। बहुत अच्छा बनेगा, बॉटल भी देखिए कितना सुंदर लग रही है। और ऐसा कोई ये नहीं कि हाँ डेली डेली पेंट करते, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी को जस्ट पहले से मतलब बहुत पसंद था ये सब चीज़ें, पेंटिंग करना शौक था मम्मी को, पेंटिंग करना पसंद था। पहले मम्मी बेडशीट जो रहते वगैरह पेंट करते थे, उसके बाद जो कर्टन्स रहते थे घर पे गांव में, वो भी मम्मी पेंटिंग खुद ने पेंटिंग किया हुआ लगाते थे। उसके बाद और क्या क्या, मम्मी को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था, मतलब पसंद नहीं था, था पसंद मेहंदी लगाना, मतलब मम्मी को मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता था, ब्राइडल के वो ऑर्डर भी लेती थी। और उसके बाद तो फिर त्रास आता था मेहंदी लगाने का, जब बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया उस पर, मेहंदी भी लगाना बहुत इतनी सुंदर सुंदर मम्मी मेहंदी लगा, मम्मी आता ना इतना लाऊ ना लगता है ना, ऐसे जैसे जो कला मैंने सुना है, जो आग में कला रहती है वो तो रहती है ना हमेशा, फिर तुम्हारे तेरे कैसे चले गई है, लेकिन अभी आलस आता है। नहीं मुझे भी पता है, मैं भी मेहंदी ना पहले इतना बारीक बारीक इतना सुंदर, मुझे याद है मैंने दो तीन लोगों को निकाल के दिया होगा, अभी किसी को क्या उतना याद नहीं है, लेकिन मेहंदी लगा के देती थी मैं तो, तब बहुत अच्छे से आता था। अभी निकालने जाऊंगी ना तो मुझे कुछ नहीं आएगा। तो मैं अभी वेट कर रही हूँ भगवान इसको भरने का, पता नहीं है कब भरेगा, अभी कितने दिन लगेंगे इसको, कितने महीने या कितने साल लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है, और इसमें शायद बहुत सेविंग करना पड़ेगा, इसका महीने का 20-40 हज़ार रुपये डालना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे कलर निकालना नहीं आ रहा है, यहाँ से शुरुआत है। बहुत दिनों बाद ब्रश, दिनों बाद नहीं 10-15 सालों बाद मैं हाथ में ब्रश पकड़ रही हूँ, और मैंने वो डिजाइन बनाया है, वैसा बिल्कुल नहीं बन पा रहा। मम्मी बोली मुझे यहाँ पे पान निकाल के दे, ओके तो ये पान तो नहीं लेकिन सिमिलर बन जाएगा कुछ, ठीक है। मम्मी ग्रीन पे येलो पान कौन निकालता है? पान नहीं है वो, डिजाइन है। अच्छा डिजाइन है, जम रहा है क्या? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना, ठीक है ना आधा। मम्मा अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पैसा कम दे देना। आरो मम्मी सोच रही होगी कि इसको हाथ दे दी नहीं तो मेरा पेंटिंग दे दिया मम्मी को। अभी मैंने बनाने के लिए मुझे नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझे लगा आ जाएगा अभी इतने दिनों बाद, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा पेंटिंग आता था तो कॉन्फिडेंट था खुद पे कि आ जाएगा करके, मम्मी को भी फुल कॉन्फिडेंट था। मम्मी बोल रही है कि मैं ही ठीक हूँ। ब्रश चलाना नहीं आ रहा है, और जो प्रोफेशनल पेंटर है यार वो कितना एक्यूरेट डिजाइन क्या बोलते उसको निकालते हैं, पेंटिंग विंटिंग पोर्ट्रेट निकालते हैं,
रियल आर्टिस्ट रहते हैं भाई। अभी रेड कलर से कुछ पेंट हो रहा है। वाह 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 वाह। मम्मी अभी पेंट कर रही है, उसमें देखो लगता है छोटा सा काम, मतलब ऐसे ही छोटा काम है। मैं तब तक दीदी का टिकट निकाल देती हूँ, दीदी नागपुर गई हुई है उन्हीं के साथ। तो मम्मी को गाना भी बहुत अच्छे से गाना आता है ना और ऐसा ही मुझे बचपन से अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मम्मी गाना एग्जैक्ट गाती कौन सा है, उसका लिरिक्स क्या है। फिर से मम्मी एक बार खुलते विचार तो कुछ लगाना हो गया ना, कर सकती है तो अभी क्या करना है, ऐसा ऐसा करना है। कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। वो रेड के बाद छोटा 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 डॉट व्हाइट कलर का। मेरा हीरो देखो, अरे बाबले मेरा हीरो, क्या कर रहे बाबू? लैपटॉप देख रहे हो, क्या कर रहे हो लैपटॉप पे? देख रहा हूँ कार्टून। कौन सा कार्टून? गणेश का कार्टून। गणेश का कार्टून, इधर देखो। खाना हो गया? क्या खाना है आपको? चॉकलेट? वो क्या है रे, वो लेकर आओ, दिखाओ ना व्लॉग में क्या है। वाह वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। मैंने अभी रेड फ्लावर्स निकाले थे, मुझे लग रहा बहुत ही ख़राब दिख रहा होगा लेकिन अच्छा लग रहा है वो। तो मम्मी अभी उसको शेडिंग दे रही, शेडिंग ही बोलते हैं ना उसको, शेड उसको। वो मम्मी येलो कलर से दे रही है, लेकिन नीचे ना ब्लैक कलर है, थोड़ा मिक्स होता है वो, एकदम ज़्यादा ये नहीं। और हमने फेविकॉल जो है इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, फेविकॉल था नहीं घर पर फिलहाल, ये कुछ था लेकिन ये उसमें नहीं आएगा मैं बोल रही थी। और ये फैब्रिक ग्लू है, तो देखिए फिर भी इतना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और बहुत टाइम लग रहा है यार, आधा घंटा हो गया इसको, और भी ज़्यादा हो गया। मम्मी बात है, हाँ तुझ शादी है तो पहले पेंटिंग देखो ना बाबू तुझी। फक्त देखो तू परत करून दाखवणार आहे का खरं सारू? हे इथे आहे ना बॉटल, हे बघ कुठली पेंटिंग वाटली तुला? ये देखो मैंने केली, कशी लगी कमेंट करके, कशी लगी कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी से। आरोग्य बहुत आसान है, सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ ब्लू कलर करने का और ये गन्ना निकालने का, इधर पत्ती निकालने का, और इधर आपको फूल आता है तो फूल। अरे वाह बहुत इजी है ना, आरो ने देखो इतना फास्ट और इतना अच्छे से बनाया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपको कैसे और क्या क्या निकालना हुआ है। कलर भी बता दो एक बारी। इधर ऐसे लग कर रेड कलर, पूरा लेट कलर, लेट कलर और येलो कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर। ओके तो आरो ने सारे ब्लू भी है, सारे कलर बता दिए और ये हमारा बना है फाइनल पेंटिंग। फाइनली फाइनली मम्मी थक गई है। आरो दिखाओ इसको, हाँ उसको दिखाओ पहले आप इसको, हाँ नहीं अभी जो आपके हाथ में है ना दिखाई, उसका फाइनल लुक दिखा दो। मजा आया था।
हाँ त्याला फोडणार भरला की ना इतने मेहनत से बनाया अभी वो फुटेगा नहीं अभी फिलहाल नहीं फोड़ेंगे दो चार महीने बाद फोड़ देंगे उसको अभी रखेंगे हम देखो आप दिखाओ आरू क्लोज दिखाओ पूरा अच्छे से ऐसा कुछ लुक बना है उसका और बहुत प्यारा लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है और ये हमारी डॉल कैसी है बताओ जरा कमेंट करो पता चले ऐसे गिर गया कमेंट करो पहले आरओ की बॉटल आपको कैसे लगी उसका कमेंट करो है ना और मैट वो भी तूने बनाया हाँ मैट भी मैंने ही बनाया हाँ ये सब आरओ ने बनाया अभी तक आप पूरे वीडियो में देखते आ रहे हो ना वो सब झूठ था है ना आरओ अरे 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 कहाँ कुछ बोल रही हूँ मैं आरव गुस्सा हो गया तो देखिए ये आप जो आपने जो भी वीडियो में देखा उसको इग्नोर करो और आप ये मान ही लो कि ये जो पेंटिंग क्या बोलते ये जो पेंटिंग किया हुआ है ये आरव ने ही किया हुआ है सिर्फ हमने हाथ लगाया उसको